झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कैबिनेट की बैठक में JSSC द्वारा बहाली के लिए 12 क्षेत्रीय भाषाओं को चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया शामिल हैं। इनमें से किसी एक भाषा में अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद पलामू के छात्रों में उबाल है। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा के अधिकतर छात्रों को इनमें से कोई भी भाषा में परीक्षा देना मुमकिन नहीं होगा। पलामू के कई युवाओं ने कैबिनेट के फैसले का विरोध किया है। विधानसभा समिति की ओर से आए अधिकारियों के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। ट्विटर पर पलामू के युवाओं ने आज हिंदी इन JSSC ट्रेंड कराया और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा क्षेत्रीय भाषा में हिंदी को शामिल करने की मांग की। कुत्सित राजनीति में हमें फंसा दिया गया है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे पलामू प्रमंडल झारखंड का अभिन्न अंग है ही नहीं। अगर हम सब हिंदी भाषी हैं, हम सब बचपन से लेके कॉलेजों तक आज तक हिंदी में पढ़ाई करते रहे और आज अगर हम अपनी मातृभाषा अगर हिंदी को मानते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? आखिर हम किसी और भाषा में अब एग्जाम कैसे दें? मेरा पूछना है कि क्या जज और कलेक्टर भी इसी तरीके से चुनकर हमारे यहाँ आएंगे? आखिर हमारे भाषा या हमारी सोच को हमारे विद्यार्थियों को क्यों जगह नहीं मिल रही है? पलामू के लोगों को, परमंडल के लोगों को छलने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार से बहुत ही युवाओं को, यहाँ के युवाओं को उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट में कल फैसला हुआ उसके बाद रात से ही खासकर यहाँ के युवाओं गोलबंद होने लगे हैं। युवा ये कहने लगे कि यह सरकार भी पलामू प्रमंडल को झारखंड का हिस्सा शायद नहीं मानती है। इसका कारण यह है, कारण देखने को मिला कैबिनेट के फैसले से, कारण यह है कि यह जो फैसला लिया गया है पलामू में जो भाषाएँ बोली जाती है, जो भाषाएँ यहाँ पढ़ाई जाती है, जो भाषाएँ यहाँ पर व्यवहारिक रूप से लागू की जाती है, जैसे हिंदी, यहाँ के ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, ज्यादा लोग मगही भाषा का प्रयोग करते हैं, थोड़ा ज्यादा लोग कुछ भोजपुरी लैंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं, और इसी भाषा में जेट का ही पिछली एग्जाम जो हुई थी, JTET का जो एग्जाम हुआ था वो मगही भाषा में किया गया था, लेकिन ये भाषा को क्लियर रूप से हटा दिया गया है और इससे छात्रों में काफी रोष है कि पलामू क्षेत्र में बोली जाने वाली कोई भी भाषा इस परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा और विधानसभा समिति के सदस्यों से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि पलामू में बोली जाने वाली भाषा हिंदी, मगही, भोजपुरी को आगामी परीक्षा में जोड़ दिया जाए, जिससे कि यहाँ के छात्र को भी परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सके और उनकी जो द्वितीय पत्र के रूप में जो क्षेत्रीय भाषा पास करना और उसके नंबर को जोड़ने की जो प्रावधान है मेधा बनाने वक्त, उसमें वह कायम हो सके, आगे अपने भविष्य को सुधार सके। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्रीय भाषाओं में मगही और भोजपुरी को शामिल करने की मांग की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 12 क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी का शामिल नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण बताया और हेमंत सरकार पर वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण का आरोप लगाया। झारखंड सरकार के कैबिनेट के द्वारा जिस तरह से 12 भाषाओं की एक सीमा तय की गई है, वैसे अभ्यर्थी जो इन 12 भाषा में से किसी एक भाषा को जानते हैं वही एग्ज़ाम के लिए, नौकरी के लिए पात्र होंगे। और सबसे हास्यास्पद इसमें यह है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उन 12 भाषा में हिंदी नहीं है, जो हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। मैक्सिमम हमारे झारखंड में, पलामू में, गढ़वा में, देवघर में, धनबाद में, साहेबगंज में लोग अंगिका बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, आपने उस भाषा को भी शामिल नहीं किया। इससे सबसे स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता है कि इस झारखंड की सरकार के अंदर राष्ट्रीय और ऐसे सारे सम्मान चिन्हों का कोई स्थान नहीं है। बार बार ऐसे राष्ट्रीय मानबिंदु को खंडित करना चाहती है। आपने शामिल किसको किया है? उर्दू को। उर्दू इस राज्य की क्षेत्रीय भाषा नहीं है साथियों, लेकिन आपने तुष्टिकरण के नाते हमारा एक समाज का वोट बैंक कहीं हमसे दूर ना चला जाए, छट ना जाए, आपने उस दृष्टिकोण से आपने उर्दू का स्थान दिया है। किस संविधान में आप दिखाएंगे कि उर्दू यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है? कितने लोग उर्दू बोलते हैं? लेकिन चूंकि आपको कहीं किसी का वोट लेना है, किसी को, किसी के आकाओं को खुश करना है, आपने इसलिए आपने उर्दू को शामिल कर लिया। ये बेहद बेहद गंभीर विषय है और कोई सरकार इस तरह के अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स का पूरा एजेंडा
अपने सिस्टम से सरकारी तंत्र के माध्यम से करें, यह बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। झारखंड को नीचा, झारखंड का सर नीचा झुकाने वाला है।